हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर गेम प्ले। और यहाँ पे गेम जस्ट स्टार्ट होने वाला है मीरा मार का, और हमें ज्वाइन कर लिया है 73 पीपल ने। और लेट मी चेक, ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, क्योंकि मेरे को मार्कर्स ओके। तो यहाँ पे सारी स्क्वाड ने ज्वाइन किया, टीम नंबर 9 अनफॉर्चुनेटली पागल एक्सी स्क्वाड नहीं आ पाएगी, इन्हें अब बैन किया जाएगा 3 दिन के लिए। और टीवी की स्क्वाड यहाँ पे आते हुए और लगभग आ चुकी है। टीम नंबर 24 पे मेयम की स्क्वाड यहाँ पे हम लोग को देखने मिल रही है, और एक जो हमारी बैला ही स्पोर्ट्स है अभी ज्वाइन करते हुए। और आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसलिए गेम थोड़ा सा डिले से स्टार्ट होगा, बट अब हम गेम स्टार्ट कर देते हैं। और दो लोगों ने यहाँ मीरामार का मैप डाउनलोड नहीं किया है, वो लोग किक हो जाएंगे। और गाइज यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, मीरामार का मैच हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और यार गेम जल्दी स्टार्ट हो जाए, बस थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग का ग्लिच होता है। और पागल एक्स को यहाँ पे बैन किया जाएगा अबाउट 3 डेज़ का। और गाइस परसों से हमारा जो 2 कस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, कल मैं अपडेट कर दूंगा फाइनली वो टाइमिंग। और यार बहुत ही यहाँ पे देखते हैं क्या क्या प्लेन पाथ बनता है, क्या यहाँ पे बंदों ने ज्वाइन किया धीरे धीरे। लॉबी महंगे, अभी 46 पीपल के लगता है नेट काफ़ी तेज़ है। 69 पीपल ने ज्वाइन किया है अभी हमें, और आई थिंक 74 की लॉबी होनी चाहिए। ओके, तो 73 की लॉबी हमें यहाँ देखने मिल रही है अभी तक। और मैं यहाँ पे देखते हैं कैसा गेम प्ले चलता है, लोगों का क्या रोटेशन रहती है, क्योंकि आजकल भैया ई स्पोर्ट्स तो आप देख रहे हैं यार, पागलों तरफ मतलब एकदम बोरा है, बंदे संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, क्वारंटाइन का अलग ही असर है। ओके, रॉजर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया आखिरी में। ओ, जो हमारे बैलाइट स्पोर्ट्स है यहाँ ट्रैक्टर की जगह खेलेंगे। ट्रैक्टर की यार थोड़ी वो दूसरे कंट्री में रहते, तो उसके कारण उनका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, और जॉब वॉब के कारण यार टाइम शेड्यूल भी डिफरेंट हो जाता है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाया। और यहाँ पे टीम नंबर 19 मुझे नहीं देखने मिले क्या? ओके, 19 ने भी ज्वाइन किया। लेट्स सी, यहाँ पे प्लेन पाथ बनता हुआ मॉन्टेनियो से चीरता हुआ पिकाडो को, यहाँ पे इम्पाला की तरफ जा रहा है लॉस लियोनेस, और माइनस जनरल्स ग्रेवयार्ड पिकाडो सैन मार्टिन पावर ग्रिड एल्पोजो हसियांडा डेल पात्रो, और यहाँ पे चुमा सेरा यहाँ बहुत ही क्लोज ड्रॉप में मानी जाएगी, और काफ़ी दूर दूर के लिए भी स्क्वाड जा सकती है, जैसे वाले डेल मार। और यहाँ पे मेरे हिसाब से पोर्टो भी यहाँ पे एक आध स्क्वाड जा सकती है, अल अजहर भी क्लोज ही है, मतलब और 1700 मीटर का कुछ ड्रॉप होने वाला है। और देखना होगा यहाँ पे क्या रोटेशन देती है, पेकाडो के लिए आज फिर से जाती है या नहीं हमारी ट्रैक्टर की स्क्वाड। और यहाँ पे ड्रॉप स्टार्ट हो चुके हैं, टीम नंबर 11 यहाँ पे वाले दल मार तरफ बढ़ती हुई दिख रही है हमारी टीम एक्ट। और लेट्स सी गाइस क्या होता है। ओके, 12,000। और यहाँ पे लॉस लियोनेस के लिए स्क्वाड्स काफ़ी सारी जाती हैं हमें, एज यूजुअल पता है लीथल की स्क्वाड आजकल हमें ज्वाइन नहीं कर रही है, आई डोंट नो व्हाट हैपन टू देम, कोई उनसे मुझे मैसेज आ नहीं पाया। एल्पोजो यहाँ पे हमारी ट्रेंडिंग्स की स्क्वाड जाते हुए विथ CZ07 हीरोज, और 2 स्क्वाड यहाँ पे जा रही है। टीम नंबर 18 भी हम लोग को मूव करती हुई दिख रही है, एज यहाँ पे टीम नर्फ की है जो वाले दल मार में जाती हुई यहाँ पे। ओके, पिकाडो में सिर्फ एक स्क्वाड देखने मिल रही है टीम नंबर 1 पे यहाँ पे, आई डोंट नो। फिर से ये बंदे मुझे यार बहुत इरिटेट कर रहे हैं ये बंदे, इनको मैं ब्लॉक करना पड़ेगा अपने, पता नहीं कहाँ से यहाँ पे आ गए हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, 2 बार इन्होंने गेम खेल लिया और बता भी रहे हैं कौन है वहाँ सा शेनॉक होते हुए। ओके, हमें चुमा सेरा का जो ड्रॉप है वो गलत हो सकता है, असाशियन यहाँ पे शॉट गन से फिनिश होंगे, और स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ब्रेक होती है हमारी जो बैलाई स्पोर्ट्स है। गाइस देखना होगा यहाँ काफ़ी सारी स्क्वाड आई है, चुमा सेरा टीम नंबर 7 जो डीमंस की स्क्वाड है, पीछे से वहाँ 4 आर्म्स की स्क्वाड मूव करते हुए, 12 नंबर यहाँ पे मिस्टीरियस की स्क्वाड भी यहीं आई हुई है, नीचे में होल्ड करते हुए लूट करने की कोशिश करेगी। वहाँ पे लेगेसी हमें यहाँ अकेले बंदे देखने मिल रहे हैं, और बाकी स्क्वाड यहाँ पे पीछे में लूट कर रही है। और गाइज यार प्लीज़ आईडी पासवर्ड दूसरे से शेयर मत करो। डीमंस निंजा को वहाँ पे नॉक करते हुए दिल्ली पुलिस बदले लेने की पूरी कोशिश होगी यहाँ पे, और वुल्फ को स्क्वाड किया पीछे से स्प्रे आता हुआ, कनेक्ट होगा रॉजर को नॉक करेंगे, ज़्यादा ही अग्रेसिव दिख रहे थे। और डीमंस की स्क्वाड यहाँ पे दिल्ली पुलिस आई थिंक अलग केले पड़ चुके हैं, वर्चुअल यहाँ से पीछे आके रॉजर को रिवाइव देने की कोशिश करनी चाहिए, पीछे से वर्चुअल ऊपर आने की कोशिश करें। डीमन यहाँ दिल्ली पुलिस यूजी से ओपी खेलते हुए 1v3 कर चुके हैं, लास्ट मैन सर्वाइविंग 10 HP, वुल्फ यहाँ से पीछे से आके कोशिश करेंगे, बट नो डाउट यहाँ पे दिल्ली पुलिस फिनिश करेंगे। कैन वी हैव दिल्ली पुलिस ओपी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो गाइज, बहुत ही ओपी खेला है इन्होंने, मज़ा ही आ गया। यहाँ पे 4 किल निकाल लिया आई थिंक, और नो डाउट यहाँ पे
असासियन का लॉस हुआ है, वहाँ नूब चाचा यहाँ पे नॉक करते हुए मुक्कों का प्रयोग किया जा रहा है भाई, मतलब अलग ही सी मैन की स्क्वाड यहाँ पे अलग ही फाइट लेते हुए। वॉन्डर वहाँ पे फोर आर्म्स के बंदे को नॉक करते हुए देखते मिल रहे हैं हम लोग को। फोर आर्म्स यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश कर रही है, लेट्स सी फोर आर्म्स है कहाँ पे। टीम नंबर 8 हमारी, यहाँ पे एक बंदे नॉक, यहाँ पे एक बंदे 20 HP बचे हुए फिनिश करने, नॉक किया क्रेटोस को यहाँ पे। वंडर यहाँ पे यूजी का कमाल दिखाते हुए एक और बंदे को नॉक कर दिया। लास्ट बंदे यहाँ पे पिस्तौल से ट्राई करते हुए नॉक किया, ओपी नॉक यहाँ पे लेवी भाई का। और वंडर यहाँ पे फिनिश होंगे, पीछे से टीम नंबर 15 यहाँ पे आने की कोशिश कर रही है आई थिंक। और तीन बंदे नॉक कर दिए थे भाई वंडर ने यहाँ पे, गलत सीन हो जाता, बट नो डाउट यहाँ पे रिवाइव देंगे। और अब इनके पास लूट तो है नहीं, तो जोन कहीं इन्हें मूव करना पड़ेगा। वैले डेल पात्रा जाने की कोशिश कर रहे थे ये, बट रास्ते में पकड़े गए। और यहाँ पे देखना होगा कौन कौन सी स्क्वाड यहाँ पे वर्चुअल नॉक करते हुए आईएनडी यादव को, जो कि यहाँ पे ओके आईएनडी की स्क्वाड, ये कौन सी वाली स्क्वाड है, मिस्टीरियस की स्क्वाड है। ओके सो देखना होगा यहाँ पे अब कौन कौन सी स्क्वाड यहाँ पे। चूमा सेरा तो यहाँ पे आई थिंक लगभग लगभग यहाँ पे विन कर सकती है हमारी बैजा स्पोर्ट्स। और वर्चुअल यहाँ पे SKS लेके दौड़ते हुए देखने मिल रहे हैं, हेल्थ की कमी, वहाँ रॉजर को हील करना होगा जल्दी से जल्दी, हील ढूंढ के। और ऊपर में नॉक किया है, कोई यहाँ पे रश है नहीं, कोई हरी है नहीं। हाँ तो गाइस मैं क्या बोल रहा था यार, ये सौरभ सिंह और जो भी बंदे हैं यार, इनको जैसे आप आईडी पासवर्ड दे रहे हो यार, तो ये बाकी स्क्वाड्स का यहाँ पे गेम बिगाड़ते हैं यार। तो प्लीज़ जितना हो सके यार गलत शेयर मत करो। मेन क्या होता है यार, मैं खुद किक कर देता बट ग्लिच हो जाता है ना थोड़ा सा वो लॉबी, तो दिखते नहीं कितने बंदे ज्वाइन किए, कितने बंदे ज्वाइन नहीं किए, कौन सी लॉबी में कौन बैठा, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मैं कभी कभी किक भी नहीं कर पाता लोगों को। सो ये सब मत करो यार प्लीज़, जो भी है यार थोड़ा फेयर खेलो। अब दो बंदे बताओ दूसरे उससे आ गए, पिकार्डो विकार्डो और ड्रॉप ले रहे हैं यहाँ पे, अब बाकी स्क्वाड्स का यहाँ पे गेम बर्बाद करेंगे, तो ये सब मज़ा नहीं आता यार। और अगर आप हमारे मैंने पूछा भी था कौन है ये बंदे बता दो, तो किसी का रिप्लाई आता नहीं है, तो यार इससे थोड़ा गेम बिगड़ जाता है ना। फालतू का अलग अलग स्क्वाड रोटेशन यहाँ पे ट्राई करिए, कुछ अलग अलग करने की कोशिश करिए, और आप यहाँ पे गेम बर्बाद कर रहे हो, मतलब क्या ही बोलो यार। ओके सो छोड़ो हटाओ, ये ऐसे ऐसे माइंड फक कर देते यार लोग। टीम नंबर 16 यहाँ पे देखने मिल रही है हम लोग को, लूट करते हुए हसियांडा गई है आई थिंक, और काफ़ी काफ़ी क्लोज में यहाँ पे, मतलब अल हज़र में काफ़ी भगदड़ मची हुई है। यहाँ पे हमारी जो वाइल्ड की स्क्वाड है वो यहाँ पे रोटेशन देना चालू करेगी, SD वाइल्ड यहाँ पे बहुत ही लो दिख रहे हैं हम लोग को। और पीछे में मैवरिक यहाँ पे काफ़ी स्प्रेडेड है, मिनी 14 के साथ यहाँ पे आई थिंक AKM रखा हुआ है। और टीम नंबर 17 वहाँ पीछे में दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेडेड है। और TCQ यहाँ पे डाउन करते हुए, जो टीम नंबर 17 है मेरी, कौन सी टीम है ये, द सी स्क्वाड। ओके लेट मी चेक वंस, यहाँ पे आप बाकी गेम प्ले देखते रहो ब्लिट्स। ओके यार TCQ यहाँ पे थॉर वहाँ पे गौरव सिंडे को नॉक करते हुए, यहाँ पे गलत ही गलत सीन होते रहता है यार। 10 रिंग्स यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे रौनक को वाइप किया है। टीम नंबर 13 वाइड स्प्रेडेड काफ़ी दूर, गौरव सिंडे वहाँ पे बहुत ही दूर में नॉक हुए, इजी रिवाइव मिलेगा। और अब यहाँ पे जल्दी से जल्दी मेरे को लगता है 10 रिंग की स्क्वाड यहाँ पे कभी भी डस्ट कर सकती है। भरत यहाँ पे अकेले होल्ड करते हुए विद दैट स्कारल एंड एक्सटेंडेड मैग भी मिल चुका है इन्हें। और यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ओके यहाँ पे AKM भी है इनके पास, काफ़ी अच्छी लूट बोलूँगा मैं। और यार एल्पोजो आओगे तो लूट तो अच्छी मिलती है एल्पोजो में, और लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है गाइस। जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं गौरव सिंडे, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे डाउन किया गौरव सिंडे को, फिनिश कर दिया। आई डोंट नो ओपन में थे शायद, वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। थॉर यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया और SKS से वाइप किया है। भारत के ऊपर कभी भी रश देखने मिल सकता है, और दे जिगल करने की कोशिश भी हो सकती है यहाँ पे। लेट्स सी गाइस क्या होता है। अशरफ भाई को यहाँ पे स्पॉट किया होगा, बट योद्धा यहाँ पे हमारे भाई थोड़े से अलग एंगल में, और कभी भी 10 रिंग्स के थॉर को यहाँ पे नॉक कर सकते हैं, बट लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बंदे आते हुए उनके क्लोज, उन्हें स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ ब्रो, हाउ इज इट पॉसिबल, यहाँ पे लेफ्ट साइड से ओपन से आते हुए पीछे देख ही नहीं रहे, अगर पीछे देखेंगे तो बहुत गलत सीन हो सकता है। अशरफ भाई वहाँ पे पीछे में ऊपर जाने की कोशिश करते हुए, रश हो चुका है यहाँ पे 10 रिंग्स का। और यहाँ पे ब्रोक को यहाँ पे नॉक करते हुए स्पॉट नहीं किया है, और नो डाउट यहाँ पे ये कभी भी खत्म हो सकते हैं भाई, बहुत ही गलत स्पॉटिंग यहाँ पे। भारत नॉक होंगे पीछे से अशरफ का, यहाँ पे
ट्रेड आता होगा, बट यहाँ पे कोई भी मतलब फायदे का चीज मैं नहीं बोलूंगा। भारत को वहाँ पे नॉक करेंगे, अशरफ यहाँ पे होल्ड करेंगे और इनके ऊपर रश करना थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन। और इसी तरह धीरे धीरे यहाँ पे CZ07 हीरोज के हमारे हिसाब से 3 बंदे यहाँ पे वाइप हो चुके हैं, और लास्ट बंदे अशरफ भाई बचते हुए केसी को यहाँ पे भारत ने नॉक किया था, फिनिश हो गया आई थिंक केसी नहीं, ओके भारत को यहाँ पे फिनिश किया है। और अब यहाँ पे होल्ड करते हो अशरफ भाई, 10 रिंग्स की स्क्वाड यहाँ पे ओपन में इनके लिए, बट एक अकेले बंदे को स्प्रे देना यहाँ पे रश कर मतलब होल्ड करना ही इनके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर वो टीम आगे वाली रश करती है तो इनके लिए थोड़ा सा फॉर्चुनेट हो सकता है, बट अभी इनके लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और अब यहाँ पे टैप टैप लेने की कोशिश, शॉट्स नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, नीचे आके होल्ड करना ही बेटर है अभी इनको, मतलब इनके लिए और कोई सिचुएशन है नहीं यार, क्योंकि स्क्वाड थोड़ी स्प्रेडेड है, एक साथ लगातार आप स्प्रे ले नहीं सकते। थॉर वहाँ से नीचे से आते हुए, अशरफ भाई यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन के, वहाँ पे यूएनएफ लेगेसी को नॉक करते हुए रॉजर, मतलब आज रॉजर लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ फॉर्म में आते हुए, गलत ही पीछे से शॉट्स पड़े थे इनको, बट अभी लेगेसी के यूएनएफ के एक बंदे को नॉक किया है। और नेट कोशिश करेंगे, बट ये नेट थोड़ा सा देखना होगा कनेक्ट होता है कि नहीं, और बहुत ही अच्छा नेट लेगेसी को नॉक किया, अली डेट को यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश करते हुए रॉजर यहाँ पे मतलब आई साइट वाला जो नेट करते काफ़ी ओपी नेट किया है। और लेट्स सी यहाँ पे पीछे से दिल्ली पुलिस ओवर चलाने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, मतलब फुल बगई बगई में आ रहे भाई बंदे। और यहाँ पे स्मोक, इनके पास नेट है नहीं, फिर से लेगेसी को नॉक कर दिया, मजाक हो रहा है क्या भाई, 3 बार लेगेसी भाई यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। रॉजर यहाँ पे R98 होलोग्राफिक साइट से पीक करते हुए लेगेसी को फिर से रिवाइव मिलेगा, बट इस बार अगर नॉक होते तो बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लीड होंगे, 3rd नॉक हो चुका है उनका। और पीछे से यहाँ पे वर्चुअल आते हुए लेफ्ट साइड से फ्लैंक करेंगे, एंटी फ्लैंक बैठा हुआ है यहाँ पे नायक, और स्पॉट किया है अभी तक रॉजर को, बट वर्चुअल लोगों को स्पॉट नहीं कर पाए हैं। लेट्स सी यहाँ पे दिल्ली पुलिस काफ़ी ओपन से आते हुए, वर्चुअल ने आई थिंक स्पॉट कर लिया होगा, नीचे से जाने की कोशिश करेंगे, फ्लैंक यहाँ पे देखना होगा, यूएनएफ V3v3 सिचुएशन। और शॉट्स आते हुए वर्चुअल को नॉक करेंगे नायक, स्पॉट नहीं कर पाए वर्चुअल को नायक को, और नायक यहाँ पे फायदा उठाते हुए वर्चुअल को पिन किया है। और दिल्ली पुलिस के ऊपर शॉट देने की कोशिश, पर शॉट्स अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं होता हुआ, अली डेड वहाँ पे पीछे में आ चुके हैं, यू लेगेसी को वहाँ पे नॉक किया है। और यहाँ पे काफ़ी ओपी गेम प्ले देखने मिल रहा है हम लोग को, रॉजर यहाँ पे वाइप कर सकते हैं कभी भी स्क्वाड को, और एट के टॉनी को वहाँ पे नॉक किया है गाइस, थोड़ा सा वहाँ पे मिस कर गया मैं, सॉरी वो अनफॉर्चुनेटली, बट यहाँ पे देखना होगा लेगेसी को यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, यूजी के साथ अंदर आने की रश करते हुए लेगेसी यहाँ पे पीछे में होल्ड कर रहे हैं, और अली डैड वहाँ पे फॉल बैक करते हुए, दिल्ली पुलिस यहाँ से काफ़ी ओपन से जाते हुए अली डेट को आई थिंक स्पॉट कर लिया, लेगेसी को यहाँ पे स्प्रे डाउन करेंगे, और यूजी का ओपी स्प्रे एज यूजुअल पीछे आके यहाँ पे छोड़ दिया, बट यहाँ पे यूएनएफ लेगेसी नो डाउट यहाँ पे वाइप हो सकती है, पीछे से आखिरी बंदे बचे हुए हैं हमारे नायक भाई, और रॉजर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, रॉजर को फिनिश करने की पूरी कोशिश होगी, बट यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए, एक ही शॉट कनेक्ट हुआ अभी, लेकिन रॉजर बहुत ही ओपन में, बचा पाना नामुमकिन है, और यहाँ पे नायक बहुत ही ज़्यादा लो होते हुए 10 HP में बचे हैं, बट फॉल बैक करके यहाँ पे हिल पॉप करेंगे। और इसी तरह 2 बंदे लॉस हो चुके हैं 6 किल के साथ, यहाँ पे हमारी बइला स्पोर्ट्स काफ़ी ओपी खेलते हुए, बट 2 बंदों का लॉस, और आखिरी जोन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है इन्हें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे यार मीरामार में बहुत टट पार्टी होता है, बहुत ज़्यादा ही टट पार्टी होता है, यहाँ पे काफ़ी सारी स्क्वाड क्लोज आ चुकी है, 4 आर्म्स की स्क्वाड यहाँ पे नर्व की स्क्वाड से फाइट लेते हुए देखने मिल रही है, 2 बंदों को यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं, एक बंदा यहाँ पे वंडर तो वहाँ पहले ही नॉक हो चुके थे, क्लच गॉड यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश करेंगे और अपने टीम को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, अशु वहाँ पे काफ़ी ओपन में नॉक हुए हैं, रिच होल्ड 4 आर्म्स का ओपी है, और यहाँ पे 4ों बंदे अलाइव हैं, 1 किल निकाला है, एक और किल अभी कुछ ही देर में हमें देखने मिलेगा, क्रेटॉस यहाँ पे राइड में आते हुए स्पॉट तो कर लिया क्लच गॉड को, बट क्लच गॉड यहाँ पे अकेले हैं, और जो डिसएडवांटेज है डेप्थ का वो उनको अभी मिलेगा, और अब यहाँ पे कोई भी मतलब है नहीं, फॉल बैक कर जाना चाहिए अपनी टीम के लिए, पोजीशन बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ऊपर आते हुए क्लच गॉड रिवाइव देने की कोशिश करेंगे, बट बहुत ही गलत सिचुएशन में भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, वहाँ दिल्ली पुलिस ने नायक को भी फिनिश कर दिया, और यहाँ रिवेंज लेते हुए रॉजर के डेथ का क्लच गॉड वहाँ पे स्प्रे लेने की कोशिश करेंगे, बट कनेक्ट होने बहुत ही हार्ड ना, आशु को यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे आशु भाई, और
ब्लीड आउट करते हुए। यहाँ पे मॉली नहीं पड़ी है, बट ये नेड काफी ओपी, मॉली काफी ओपी हो सकता था। क्लच गॉड को यहाँ पे ने थोड़ा सा डैमेज आई थिंक दिया है, पीछे हुए आते हुए आशु भाई और ब्लीड आउट हो रहे हैं, बट देखना होगा यहाँ पे बचा पाना काफी मुश्किल। स्मोक स्पैम किया है, 10 HP बचे हैं, क्लच गॉड यहाँ पे जा नहीं रहे उनकी तरफ, अब कोई मतलब नहीं भाई, फिनिश हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सुप्लेक्स यहाँ पे स्प्रे लेने की कोशिश करते हुए सीज लेजेंड वहाँ पे व्हीकल से आई थिंक गिर गए, और यहाँ पे व्हीकल से गिर के 3 बंदों की, एक बंदे राहिल भाई यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं और एक बंदा यहाँ पे नॉक पड़ा हुआ है। रिवाइव तो मिल जाएगा बट आई डोंट नो इनके साथ हुआ क्या, कोई यहाँ बग्गी वग्गी तो दिख नहीं रही है यार, लेट्स सी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। कोई व्हीकल यहाँ पे है नहीं, कुछ भी नहीं, ये काफ़ी सेफ जोन में, पता नहीं यहाँ पे हुआ क्या। कुछ बग्गी वग्गी यहाँ पे दिख नहीं रही जली हुई जो मैं मतलब पता लगा सकूँ क्या हुआ, व्हीकल बाइक वाइक कुछ भी नहीं, आई डोंट नो। सो ठीक है, यहाँ पे टीम नंबर 15 होल्ड करती हुई जो हमारी माफिया की स्क्वाड है, और देखना हमें ये होगा कि टीम 25 यहाँ पे अब क्या कमाल दिखा पाती है। 2 दिन से इनका बहुत ही हार्ड लक चल रहा है, गेम निकल नहीं रहे इनके। और टीम नंबर 18 यहाँ पे हम लोग को अकेले बंदे होल्ड करते हुए अभी तक 4 आर्म्स को स्प्रे वे करने की कोशिश ली, जिनके ऊपर कनेक्ट भी होता हुआ ओपी स्प्रे, बट 10 HP में बचे वहाँ पे लीजन, और अब यहाँ पे हील पॉप करने की कोशिश करेंगे। पीछे से 4 आर्म्स की स्क्वाड कभी भी इन्हें वाइप कर सकती है, अलग एंगल होल्ड करने की कोशिश में आप लीजन के साथ अनफॉर्चुनेट कांड हो सकता था बट यहाँ बच गया। आप यहाँ पे स्प्रे डाउन कर सकते हैं कभी भी एमके के साथ, ओके ये सॉरी कार्नेटेड के साथ ट्रैक करते हुए यहाँ पे क्लच गॉड वहाँ पे से मूव करने की कोशिश करेंगे और कवर्स के अंदर ही लेना पसंद करेंगे। क्लच गॉड को पीछे से स्प्रे आएगा जरूर, और यहाँ पे क्लच गॉड वहाँ पे ओपन में जा चुके हैं। 4 आर्म्स लीजन यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी इनके ऊपर रश करना, इंपॉर्टेंट कवर लेने की कोशिश की, और यहाँ पे 50 HP आई थिंक बचे हुए हैं। ट्राई करते हुए ओपन से जाते हुए क्लच गॉड यहाँ पे देखना होगा क्या कमाल कर दिखाते हैं। पीछे में चले गए लीजन वहाँ पे उस एरिया के ट्रेड में देने के लिए, और यहाँ पे डैमेज नहीं पड़ा। क्लच गॉड यहाँ से फॉल बैक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अभी तक बदला लेने की पूरी कोशिश करते हुए लेट्स सी यहाँ पे क्या कमाल कर दिखा पाते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा हील, ओके 4 हील है इनके पास, कोई प्रॉब्लम है नहीं इनको, बट ओके नेड आता हुआ काफ़ी अच्छा पोजीशन शिफ्ट किया इन्होंने, क्योंकि वहाँ से ही एक बार स्प्रे दे चुके थे तो स्पॉट तो हो ही जाते। लीजन यहाँ पे ओपन में आने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कवर नहीं छोड़े ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर कवर छोड़ते हैं तो क्लच गॉड अगर डाउन करते हैं तो फिनिश ही करेंगे। यहाँ पे एक और नेड आता हुआ आई थिंक, और क्लच गॉड यहाँ फॉल बैक करने की पूरी कोशिश करते हुए लीजन वहाँ पे आगे आने की कोशिश करते हुए देख लिया, ट्रेस किया बट स्प्रे कनेक्ट नहीं हुआ। लीजन को वहाँ पे कभी भी नॉक कर सकते हैं, 20 HP का डैमेज, अबाउट 30 HP का सॉरी, और यहाँ पे फॉल बैक करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे जो बंदे हैं यहाँ पे गेम एज यूजर, मैंने जैसे कहा था दूसरी स्क्वाड का गेम बिगाड़ सकते हैं कभी भी। यार इनको फिनिश कर दो यार, जल्दी से फिनिश कर दो इनको, फालतू में पता नहीं कहाँ से ज्वाइन कर लेते यार बंदे, क्या ही बोलो यार। आपको खेलना है तो रजिस्टर करके खेलो, स्लॉट देने के हम तैयार हैं, बट ऐसी हरकतें यार अच्छी नहीं लगती। चाचा ने यहाँ पे स्पॉट तो किया है, देखना होगा यहाँ पे नॉक कर सकते हैं क्या। नेड ट्राई करते हुए राइट से शॉट्स कनेक्ट होंगे, और यहाँ पे बहुत ही ऊपर से 4 आर्म्स की स्क्वाड, नेड आ गया यहाँ पे और नेड कनेक्ट भी हुआ। चाचा यहाँ पे नॉक होते हुए पीछे से यहाँ पे NXG पूरी स्क्वाड आ चुकी है, और जो हमारी ओके टीम नंबर 6 सी मैन की स्क्वाड है वो यहाँ पे पीछे से आते हुए, जीउस के पास यहाँ पे M249 देखने मिल रहा है। वर्चुअल ने वहाँ पे सीज लेजेंड को नॉक किया, सीज की स्क्वाड यहाँ पे अनफॉर्चुनेट कंडीशन में फंसते हुए, 4 आर्म्स की स्क्वाड यहाँ पे ऊपर से कभी भी थर्ड पार्टी कर सकती है। सौरभ सिंह वहाँ से ओपन में आते हुए स्प्रे लेने की कोशिश करनी चाहिए थी बट नहीं लिए जीउस, आई डोंट नो वाई, बट इन्होंने अभी के लिए उन्हें छोड़ दिया है। 4 आर्म्स की स्क्वाड यहाँ पे ऊपर आते हुए, क्लच गॉड अभी तक सर्वाइव करने की पूरी कोशिश की है भाई, इस बंदे ने मतलब काफ़ी अच्छा सर्वाइव किया अभी तक। और अब यहाँ पे 4 आर्म्स की स्क्वाड वाइड स्प्रेड दिख रही है, क्लच गॉड यहाँ पे ओपन में उठ के मूव करते हुए स्पॉट आउट होंगे और नो डाउट यहाँ पे फिनिश होंगे क्रेटॉस के द्वारा। वहाँ पे नॉट 10 रिंग्स की फाइट होते हुए यहाँ पे, कहाँ पे फाइट हो रही है, ओके 10 रिंग्स ने यहाँ पे आई थिंक स्क्वाड वाइप कर दी, 3 किल निकाल गए हैं। वहाँ पे नोटोरियस
फिनिश हो गए मॉली से, और अब यहाँ पे जो ब्रुक है यहाँ जल्दी से लूट करके जोन रोटेशन देना चाहेंगे। थर्ड जोन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, टीम नंबर 5 यहाँ पे डॉन की स्क्वाड और चीफ की स्क्वाड जो है वो यहाँ जोन रोटेशन देते हैं, मिल गई है। आई डोंट नो ये किस पे, दिल्ली पुलिस यहाँ पे स्प्रे लेने की टप टप यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं माफिया की स्क्वाड को और ट्राई कर रहे हैं बग्गी बश करने का। गाइस एक सेकेंड रुकना, मैं पानी पी लेता हूँ यार। जेल्ड्रैगन ने वहां पे टीएससी को रॉक किया है, साब साब रियल ओजी ने यहाँ पे नॉक किया है। प्रतीक की स्क्वाड यहाँ पे कंप्लीटली बची हुई है, स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हमारे टीसीक्यू जो टीम नंबर 17 है। ओके द सी स्क्वाड, द सी स्क्वाड को यहाँ पे सेज ने वहाँ पे जहरीला को नॉक फिनिश किया है। यहाँ पे अलग ही अलग फाइट चलती हुई, माफिया की स्क्वाड से जा भिड़ी है यहाँ पे हमारी सीज की स्क्वाड, और 10 HP बचे हैं वहाँ पे नशेड़ी भाई हमारे, और देखना होगा यहाँ पे क्या माफिया की स्क्वाड को वाइप करते हैं। पीछे से यहाँ पे रश कर दिया है नेड यहाँ पे गलत सीन और नॉक किया, दो बंदे नेड में नॉक हो गए बेहोड़ा के, आखिरी बंदे बचे हैं, राइट से आने की कोशिश करेंगे, स्प्रे डाउन किया और बचा लिए गए यहाँ पे दो बंदे। ओपी नेड हो सकता था वो, लेकिन अपने आप को नॉक कर लिया वहाँ पे, वो थोड़ी सी गलती हो गई उनसे, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रश किया था, बट अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड वाइप हो गई। और इसी तरह वी आर डाउन टू 15 टीम्स, 45 पीपल्स आर स्टिल अलाइव, दे ओनली वॉन्ट दैट ओनली चिकन डिनर और लेट्स सी हु विल गेट इट। और यहाँ पे टीम नंबर 6 यहाँ पे आते हुए शॉर्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं टीम नंबर 1 के, आई थिंक। कार 98 98 सब आ गए पिकाड़ो में ये भाई लोग हमारे, और यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, इनको जोन जाने नहीं देना चाहते, ओपन में आए और स्प्रे डाउन हो सकते हैं कभी भी, बच गए 10 HP दोनों बंदे यहाँ पे, काफी अच्छा स्प्रे जीउस का जो हमारे द सी मैन के हैं, और ब्लीड आउट हो सकते हैं सौरा सिंह, बट दोनों ने हिल पॉप किया, स्मोक वॉक करके व्हीकल लेने की कोशिश थी, बट यहाँ पे जियोस जाने नहीं देना चाहते इन्हें, जोन स्मोक स्पैम करेंगे और खुद भी जोन रोटेशन देना चालू करना होगा, काफ़ी डैमेज आएगा इनको क्योंकि यहाँ पे पूरी स्क्वाड मूव कर चुकी थी, बस ये होल्ड कर रहे थे, इसलिए इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था सिचुएशन। हंटर जियोस यहाँ पे रश करते हुए, सौरभ की स्क्वाड जो भी है ये यहाँ पे रश करने की कोशिश करते हुए, एकलव्य ये लेफ्ट साइड पे होल्ड किए हुए, नेड ट्राई कर रहे हैं आई थिंक, बट कनेक्ट नहीं होता हुआ। और जो हमारी सी मैन की स्क्वाड है यहाँ पे अकेले बंदे बचे हुए हैं, पीछे आएगी नहीं स्क्वाड, जोन रोटेशन देने का कॉल आ चुका है, काफ़ी अच्छा डिसीजन यहाँ पे, देखना होगा जियोस क्या ये दोनों बंदों को वाइप कर पाते हैं। और ओपन से आते हुए दोनों बंदे और डाउन करने की कोशिश, बट डाउन हो गए सौरभ सिंह वहाँ पे, 10 HP पे बचे, और काफ़ी अच्छा स्प्रे सौरभ सिंह का यहाँ पे डाउन किया, और वहाँ पे सौरभ RTV सौरभ हमारे फाइट करते हुए यहाँ पे येल ड्रैगन में यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, और स्मोक स्पैम करने की पूरी वो प्रतीक यहाँ पे ओपन से आते हुए, M16A4 यहाँ पे स्पॉट करने की पूरी कोशिश, वहाँ पे ब्रूटल गेमिंग ने ब्रूक को नॉक किया है जोन की यहाँ पे लड़ाई होते हुए, और जोन की थोड़ी सी बाहर हमारी जो RTV की स्क्वाड है जो मेहम की स्क्वाड है वो, और शॉक वेव यहाँ पे ऊपर में आ चुके हैं, वाइव यहाँ पे ऊपर में आ चुके हैं हमारे, और सूजी की स्क्वाड यहाँ पे पूरी रश करते हुए पूरा डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, वहाँ पे जोन से डैमेज खाती हुई पूरी स्क्वाड, और सुमित ने वहाँ पे TQ ब्लिट्स को यहाँ पे नॉक किया है, नॉक करने की कोशिश यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्प्रे आता हुआ वाइव का, और थॉर यहाँ पे लेफ्ट से आते हुए मॉली ट्राई की, और यहाँ पे गन निकालने की जरूरत, काफ़ी अच्छा गेम प्ले देखने मिल रहा है हम लोग को दोनों ही स्क्वाड से, थॉर को यहाँ पे नॉक करेंगे और पीछे से यहाँ पे कभी भी नॉक हो सकते हैं अमन, क्योंकि पीछे में यहाँ पे हमारी जो मेहम की स्क्वाड है वो थर्ड पार्टी करते हुए ओपन में यहाँ पे थॉर नॉक हुए हैं, और अमन भी यहाँ पे ब्रूक आखिरी बंदे आई थिंक हील पॉप करते हुए, काफ़ी अच्छा गेम प्ले देखने मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे स्क्वाड्स के द्वारा, और पीछे जाके यहाँ पे जोन मूव करने की कोशिश, यहाँ पे सूजी की स्क्वाड कभी भी यहाँ पे डाउन कर सकती है, और ब्रूक यहाँ पे प्ले जोन से नॉक होते हुए शॉक वेव वहाँ पे काफ़ी अच्छा एंगल बनाए हुए हैं, और ओके यहाँ पे शॉक वोब को नॉक करते हुए आउट ऑफ जोन, यहाँ पे 10 ड्रिंक्स की स्क्वाड आज ओपी गेम प्ले दिखाते हुए रूट गेमिंग को यहाँ स्पॉट किया, स्मोक के अंदर फाइट लेते हुए दोनों ही बंदे, और दोनों की HP लगभग बराबर, केसी यहाँ पे स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं FPP में, क्योंकि थोड़ा सा आप जानते हो ग्लिच से यहाँ पे प्रिविलेज मिल जाता है, बट वापस आए और यहाँ पे ब्रूट गेमिंग को स्पॉट तो कर लिया है, AKM के साथ मूव करते हुए ब्रूट गेमिंग वहाँ पे TP लेने की कोशिश करेंगे, और देखना होगा यहाँ पे कौन से बंदे
काफी अच्छा फाइट चलता हुआ दोनों के बीच में, 38 पीपल आर स्टिल अलाइव, बहुत जल्दी जल्दी बंदे वाइप हो रहे हैं उधर। सुमित भाई भी कई पेल रहे हैं, मतलब पेलम पेला ही हो रही है। और यहाँ पे जोन और हो चुका है छोटा, और देख सकते हैं आप यहाँ पे फाइट होते हुए ब्रूट गेमिंग को वाइप कर दिया है। ओपी गेम प्ले यहाँ पे, 10 HP में बचे 10 रिंग्स के केसी भाई। और अब यहाँ पे जोन रोटेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे प्रतीक की स्क्वाड भी जोन रोटेशन देने की कोशिश करेगी, वहाँ पे द सी मैन स्क्वाड, यहाँ पे जो सी स्क्वाड है वो भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रही है जोन के अंदर। फोर आर्म्स ने वहाँ पे सुप्लेक्स ने ऑर्चिड को नॉक किया है, और ऑर्चिड की स्क्वाड के आखिरी बंदे रोहन बचे हुए हैं। फोर आर्म्स यहाँ पे मैं बोलूँगा काफ़ी कंपोज गेम दिखाते हुए, और रश कर दिया, बस एक बंदे नॉक हो गए हैं। रोहन के परस्पेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, रोहन को फिनिश कर दिया, यहाँ पे नॉक कर दिया है। और आखिरी बंदे बचे थे फैंक, वो भी वाइप हो चुके हैं। इसी तरह हमारी और चीज़ की स्क्वाड जाएगी सीधे लॉबी में, और इसी के साथ फोर आर्म्स के कितने किल हो चुके हैं गाइस इनके, लेट्स सी। फोर आर्म्स के 6 किल्स हो चुके हैं। जोन रोटेशन काफ़ी क्लोज, ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। 32 पीपल आर स्टिल अलाइव, रिजस का गेम चालू होता हुआ, और यहाँ पे हमारे हंटर की स्क्वाड को होल्ड करने की कोशिश करते हुए टीम नंबर 6 जो द सी मैन की स्क्वाड है उनको होल्ड करने की कोशिश है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिज लिया है, मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा रिज है। दोनों साइड से यहाँ पे रशेज नहीं देखने मिल सकते, बट राइट और लेफ्ट दोनों होल्ड करना होगा, व्हीकल का कवर बनाती हुई हमारी टीम मैन। और पीछे से कोई स्क्वाड आ सकती है कि नहीं, एक बार इन्हें चेक कर लेना चाहिए था, बट वैसे तो नहीं है पीछे, बट फिर भी यहाँ पे डाउन होते हुए बंदे केसी भाई यहाँ पे जोन के बाहर से फाइट लेने की कोशिश की थी सी स्क्वाड सी मैन से, बट यहाँ पे वाइप होती हुई। यहाँ पे 10 रिंग की स्क्वाड फोर आर्म्स के बंदे को वहाँ पे नॉक किया है हमारे SD वाइल्ड ने, काफ़ी अच्छा स्प्रे यहाँ पे सौरभ का, सुप्लेक्स को यहाँ पे वाइप करने की कोशिश करेंगे। लेवी वहाँ पे 10 HP बचे हुए, सौरभ सिंह यहाँ पे आखिरी बंदे बचे हैं, नहीं एकलव्य भी बचे हैं जोन के बाहर में, हील बैटल स्टार्ट कर दिया है आई थिंक इन्होंने। जोन के अंदर मेकआउट करना काफ़ी हार्ड, वहाँ पे सुप्लेक्स को फिनिश करते हुए यहाँ पे सौरभ भी वाइप हो चुके हैं। लेवी की स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर हील करती हुई, आज थोड़ा सा गेम प्ले दिखाया इन्होंने आज, मतलब वाइल्ड की स्क्वाड थोड़ी ओपी दिखते हुए। सौरभ ने वहाँ नूप चाचा को नॉक किया है, क्रेटोस ने यहाँ पे सौरभ को नॉक कर दिया है, आखिरी बंदे बचे हैं वाइल्ड, वापस रिवाइव देने जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जोन के अंदर रोटेशन देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीछे से आते हुए हमारे स्क्वाड ही स्क्वाड यहाँ पे गलत फाइट होते हुए, दिल्ली पुलिस की वहाँ पे फाइट होते हुए देखने मिल रही है हम लोग को। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस फिनिश हो गया, वर्चुअल भी फिनिश हो गया बाय विक्की। यहाँ पे लुटेरे की स्क्वाड फॉर एम्स को ऊपर यहाँ पे शॉट्स लेने की कोशिश, लेजन ने वहाँ पे नॉक किया। यहाँ पे स्नाइपिंग का गेम चलते हुए, हील करेंगे क्रेटोस को, एक बंदा सुप्लेक्स यहाँ पे वाइल्ड की स्क्वाड से वाइप होके, वाइल्ड यहाँ पे हमारे जोन रोटेशन देते हुए जोन के अंदर आ चुके हैं, और 3 स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर है, बाकी स्क्वाड यहाँ पे जोन के बाहर देखने मिल रही है। डेविल ओके टीम नंबर 10 हमारी जो IAM की स्क्वाड है यहाँ पे 2 किल के साथ जोन होल्ड करते, काफ़ी अच्छा रेज है, बट लेफ्ट साइड से यहाँ पे स्प्रे आ सकते हैं क्योंकि लेफ्ट का काफ़ी ओपन है, और देखना होगा हम लोग को कौन से रेज आखिरी में होल्ड करती है। वाइल्ड यहाँ पे अकेले बंदे आते हुए, कभी भी शॉट्स आ सकते हैं इनके ऊपर, और सीधा पहुंच चुके हैं माफिया की स्क्वाड के मुंह पे, स्प्रे आएंगे चारों ओर से। अब देखना होगा यहाँ पे किस तरह से होल्ड करने की कोशिश की जाती है। NXG मारियो को वहां पे नॉक करते हुए, कभी भी यहाँ पे वाहिल को पता नहीं होगा, तबाही वहां पे पीछे से ताक लगाए बैठे हैं, कभी भी वाइप कर सकते हैं। और पीछे से टीम नंबर 16 के ऊपर भी शॉट्स आते हुए, जो हमारी फोर आर्म्स की स्क्वाड है आई थिंक, ओके रियल ओजी की स्क्वाड। यहाँ पे टीम नंबर 10 इनसे फाइट लेने की कोशिश कर रही है, लीजन यहाँ पे नॉक करते हुए, काफ़ी ओपी गेम प्ले सारी स्क्वाड्स का। IAM आज यहाँ पे अलग मूड में देखने मिल रही है, रियल ओजी की स्क्वाड ओपन में यहाँ पे नॉक होते हुए, नॉक पे नॉक, ईगल जावेद यहाँ पे आखिरी बंदे बचे हैं, विक्की ने वहाँ पे ओमेगा को फिनिश किया, और डेविल सलजार यहाँ पे सवान रियल जी को फिनिश करते हुए, ईगल जावेद आखिरी बंदे विक्की से वाइप हो गए मिनी 14 ओपी चलाते हुए। यहाँ पे टीम नंबर 15 यहाँ पे 7 स्क्वाड अभी भी बची हुई, लीजन को नॉक किया है लुटेरे ने, और लुटेरा भाई 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 मतलब लुटेरा तो पागल हो गया है आज। क्रेटोस को वहाँ पे नॉक करके फोर आर्म्स की स्क्वाड यहाँ पे बहुत ही मुश्किल में देखते हुए, तब भाई भाई यहाँ पे स्प्रे देने की पूरी कोशिश, और एक बंदे को वाइप किया। NXG की स्क्वाड की मारियो को टैप टैप करते हुए, येल ड्रैगन वहाँ पे नॉक होते हुए, भाई फाइट ही फाइट चल रही है यहाँ पे। लेट्स सी फ्रॉम अबव गाइस, टीम नंबर 10 यहाँ पे काफ़ी ओपी गेम प्ले दिखाते हुए, सुमित की स्क्वाड यहाँ पे पूरी बची, एल ड्रैगन यहाँ पे नॉक है, जल्दी रिवाइव देने की कोशिश होगी, 1 मिनट में जोन श्रिंक होने वाला है। और यहाँ पे हमारी मेहम की स्क्वाड पूरी कंप्लीट बचते हुए, आज काफ़ी दिनों बाद कुछ अच्छा गेम प्ले देखने मिला है इनकी तरफ से, और देख रहा होगा यहाँ पे किस तरह डोमिनेट कर पाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे
टोटल ओके 4v3v3v3 ऐसा कुछ सिचुएशन आई थिंक, 4v3v4v2 ओके ये है सिचुएशन हमारी ओवरऑल देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अब यहाँ पे हंटर जो है हमारे टीम नंबर 6 जो है सी मैन, वो यहाँ जोन रोटेशन देते हुए 24 नंबर स्क्वाड को काफ़ी अंदर जाना है जोन के। टीम नंबर 10 जो हमारी है वो यहाँ पे IM की स्क्वाड होल्ड करते हुए देखने मिल रही है। यल ड्रैगन OP यहाँ पे स्नाइपिंग करते हुए एज यूजुअल, और यहाँ पे बैंडेजेस यूज करेंगे और प्रतीक वहाँ पे कवर बनाने की कोशिश करेंगे, सौरव और प्रतीक। लेट्स सी गाइस होता क्या है। काफ़ी अच्छा खेला है अभी तक का गेम प्ले, और यहाँ पे स्पॉट किया है 10 जो हमारी IM की स्क्वाड को, और यहाँ पे स्नाइप देखना होगा। येल ड्रैगन काफ़ी स्लो यहाँ पे, आई डोंट नो इतना स्लो क्यों यहाँ पे रिफ्लेक्स दिया इन्होंने, बट वहाँ पे खूनी हंटर चीन को यहाँ पे नॉक करते हुए, और वी आर डाउन टू 11 पीपल, 3 टीम आर स्टिल सर्वाइविंग फॉर द चिकन। और यहाँ पे सुमित काफ़ी लो होते हुए राइट साइड में भी स्क्वाड, लेफ्ट साइड में भी स्क्वाड, जोन होल्ड किया येल ड्रैगन ने काफ़ी अच्छा कवर, राइट साइड की स्क्वाड से दो बंदे फाइट लेने की कोशिश करते हुए ओपन से आती हुई हमारी माफिया की स्क्वाड, और यहाँ पे जो एक ड्रॉप बचा के रखा है उनको भाई स्पॉट करने की पूरी कोशिश, यहाँ पे कोई बंदे हैं नहीं, एयर ड्रैगन लगता है यहाँ पे प्रेशर होल्ड नहीं कर पा रहे, नेट करने की पूरी कोशिश। प्रतीक यहाँ पे दे जिगल करते हुए, और नेट यहाँ पे देखना होगा कनेक्ट होता है या नहीं, कनेक्ट होता हुआ नेड OP नेडिंग भाई भाई एयर ड्रैगन। सुमित ने वहाँ पे IM RG को नॉक किया है, लेफ्ट साइड से भी फाइट ले रहे हैं केले, और यहाँ पे नेड आता हुआ सौरव वहाँ पे ओपन का री होल्ड करते हुए, बट गेम यहाँ पे 10 टीम 10 IM की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। सौरव यहाँ पे खूनी को भी नॉक कर दिया है, लास्ट मैन बचे हैं यहाँ पे सल्जर, वहाँ पे नेड ट्राई करते हुए यहाँ पे यल ड्रैगन रश करते हुए देखने मिल रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे स्प्रे क्यों नहीं आया। प्रतीक ने यहाँ पे वाइप कर दिया यल ड्रैगन, और वहाँ पे 10 HP बचे हुए हैं। सल्जर यहाँ पे ओपन में ऊपर में आने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे 4v4 सिचुएशन विथ IAM, और यहाँ पे मीहम की टीम बची हुई है गाइज, यहाँ पे OP गेम प्ले, बट IAM की स्क्वाड के पास पूरा जोन, और यहाँ पे यार ड्रैगन को कुछ खास स्नाइपिंग दिखाने की ज़रूरत। सुमित और यहाँ पे स्मोक करने की कोशिश करनी चाहिए, जल्दी जल्दी स्मोक वॉल बना रहे हैं यहाँ पे हमारे प्रतीक भाई, और लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। 7 किल निकाल चुके हैं और अभी भी स्पॉट करने की कोशिश, बस सल्जर भाई वहाँ पे राइट साइड का जो एंटी फ्लैंक बैठा हुआ है वो काफ़ी यहाँ पे गलत सीन दे सकता है इनके साथ, मतलब वही एक बंदा है जो थोड़ा सा इनको प्रिडिक्टेबल नहीं है। और यहाँ पे सल्जर को यल ड्रैगन नॉक करते हुए, एज मैंने कहा था यहाँ पे स्नाइपिंग दिखाने की ज़रूरत है, और यल ड्रैगन वही करते हुए गाड़ी लेके आगे जाएंगे। सुमित और सौरव यहाँ पे आगे जाते हुए गाड़ी से नॉक किया, और यहाँ पे ओपन में आ गए हैं, स्नेकिंग करने की कोशिश करेंगे, स्प्रे आता, और स्मोक काफ़ी अच्छा है यहाँ पे उनकी टीम के द्वारा पीछे से आती हुई, काफ़ी अच्छा सौरव ने होल्ड किया है यहाँ पे, और देख रहा होगा यहाँ पे क्या कमाल दिखा सकते हैं। नेड यहाँ पे हो चुका है 4v3 सिचुएशन, IAM की स्क्वाड यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी में देखते हुए, जो जोन रोटेशन नहीं दे रहा था काफ़ी आगे आके होल्ड कर सकती थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी गलती की, और काफ़ी सारे नेड वेड होते हुए थोड़ा सा कनेक्ट होगा RJ को, बट बिनाया भाई यहाँ पे अलग एंगल होल्ड करते हुए विक्की यहाँ पे फ्लैंक करने की कोशिश करेंगे, राइट से जाने की पूरी कोशिश, काफ़ी अच्छा फ्लैंक हो सकता है, बट RJ भाई यहाँ पे ओपन में, प्रतीक यहाँ पे ओपन में स्नैकिंग करते हुए और हील पॉप करेंगे, सुमित भाई को यहाँ पे नॉक किया है, स्मोक आता हुआ इसी के साथ देखना होगा यहाँ पे एंटी फ्लैंक के, विक्की ने यहाँ पे सौरभ को नॉक किया भाई, क्या गेम प्ले विक्की का यहाँ पे रोटेट करते हुए, बिनाया भाई को यहाँ पे नॉक करेंगे, RJ और विक्की यहाँ पे लेफ्ट साइड से फ्लैंक करते हुए OP गेम प्ले दोनों ही स्क्वाड का, प्रतीक का यहाँ पे देखना होगा क्या कमाल होता है, प्रतीक यहाँ पे नॉक होते हुए विद RJ IAM स्क्वाड यहाँ पे OP खेलते हुए, ड्रैगन आखिरी बंदे बचे हैं, और इसी तरह IAM की स्क्वाड ग्रैबिंग दैट चिकन डिनर, बहुत ही OP गेम प्ले, 7 किल निकाला है विक्की ने, जो फ्लैंक किया भाई क्या फ्लैंक था, बहुत ही OP गेम प्ले, मतलब 4v3 सिचुएशन यहाँ पे चिकन डिनर लेके चले गई, बहुत OP गेम प्ले खेलते हुए गाइज। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यार IAM को यहाँ पे काफ़ी सारा कॉन्ग्रेचुलेशन डालना, और भाई मज़ा ही आ गया, क्या गेम था यहाँ पे। टीम में हम यहाँ सेकेंड आते हुए विथ ओके टीम IAM यहाँ पे 9 किल निकाल चुकी है, टीम में हम यहाँ पे सेकेंड आते हुए विथ आई थिंक 4 8 किल्स, थर्ड पे आई हमारी माफिया की स्क्वाड विथ 7 किल्स, और बाकी के स्टैट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा गेम था यार, मज़ा ही आ गया। मीरा मार यार लगता है मीरा मार ज़्यादा कराना पड़ेगा, और गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जितना हो सके यार कमेंट करो, टाइमिंग अबाउट टाइमिंग 7:30 यार मेरे को भी थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है, बट कुछ लोगों का डिनर विनर टाइम हो जाता है यार, तो थोड़ा सा इधर उधर मिसमैच हो रहा है, बट आप एक बार प्लीज़ आप लोग को जो लगता है, क्योंकि यार मैं पूरे रात भर PUBG खेलते रहता हूँ, सुबह सोता हूँ,
तो उसके कारण यार 2:30 तो पॉसिबल नहीं है, और 5 बजे मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, तो इसलिए 7:30 मेरे हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है सही, क्या सही टाइम है क्या है, और आपको किस किस टीम का गेम अच्छा लग रहा है यार, सपोर्ट करो उन टीम को अगर आप खेल नहीं पाते हो तो। और यार सौरभ सिंह की जो भी स्क्वाड है यार, जो भी उनको ज्वाइन करा रहे हैं, 2 बार कस्टम आ चुके हैं, प्लीज़ यार इन्फॉर्म कर दो, अगर उनको खेलना ही है, मन ही है तो रजिस्टर करके आए यार। अच्छा नहीं लगता यार ऐसे किसी और के स्लॉट में कोई भी आ जा रहा है, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा यार, तो इसीलिए थोड़ा सा उसके लिए आप सपोर्ट सपोर्ट करिए। और यार वीडियो पे जो रिस्पॉन्स है यार, मतलब अभी तक के सबसे ज़्यादा अच्छे जो ऑडियंस रिटेंशन है मेरे को इसी वीडियो पे आ रही है, अबाउट 60% ऑडियंस रिटेंशन आ जा रही है, तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। आप लोग सही में वीडियो फुल फुल वॉच कर जा रहे हो कुछ लोग, तो उसके लिए काफ़ी सारा थैंक्स यार। और थोड़ा यार कमेंट्री में चूक जाता हूँ, थोड़ा होता है कुछ कुछ लोग यार कुछ कुछ अजीब सारी बातें भी स्पैम करते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं साउंड करता, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यार। और भाई जो भी हैं आपको यार हर एक आदमी का थोड़ा अलग अलग जॉनर होता है, अलग अलग वे होता है, मैं हर एक चीज़ आपको नहीं दे सकता, अगर आपको नहीं पसंद आता तो डोंट वॉच दिस वीडियो, इट इज़ नॉट कंपलसरी, मत देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है यार। बट मैं तो अपने बंदों के लिए यार वीडियो बना रहा हूँ, अभी ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था, यूट्यूब के लिए काफ़ी पहले से ट्राई किया है, बट लेट्स सी क्या होता है इस बार भी। और यार कस्टम परसों से 2-2 हो जाएंगे, तो उसके लिए यार टीम्स की जितनी ज़्यादा आप ऐड कर सको प्लीज़ टीम्स ऐड करो, है ना, दोनों कस्टम के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोनों कस्टम में टीम रिपीट हो, हमारी 4 टीम तो दोनों कस्टम खेलेगी नो डाउट, बट बाकी नई नई टीम आएगी यार तो मज़ा आएगा, नए नए इंटरेक्शन होंगे, नए नए बंदों से मिलेंगे, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। बट जो भी है यार यही है सीन हमारा, और ऐसे ही अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो और बाकी कमेंट्री वमेंट्री, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके अपना प्यार दिखाइए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।